मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से, झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग यहां पर हैं, मौसम खराब है, पेटी बांध के रहिए लेकिन टिके रहिए। क्या आज तक में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्योंकि एक तरफ अंजना सुधीर चौधरी को टारगेट कर रही है तो दूसरी तरफ सुधीर चौधरी अंजना को विपक्ष के हाथों का खिलौना बता रहा है। ऐसे में ये पूरा खेल आपको समझना पड़ेगा कि कैसे विपक्ष ने अपने मास्टर स्ट्रोक के जरिए देश का सबसे बड़ा चैनल होने का दावा करने वाली आज तक में बवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में इस वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे, तो आखिर तक पूरी वीडियो देखिएगा जरूर और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे विपक्ष ने खेला कर दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। अब तक ये खबर पहुंच चुकी है कि इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों का बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन इसके पीछे इंडिया गठबंधन ने कितना बड़ा खेल खेला है कि अब आज तक में बवाल मच गया है, एक एंकर दूसरे एंकर के खिलाफ हो गया है। हम शुरू से ये बात कहते हैं कि जैसे जैसे भाजपा सिमटती जाएगी तो सबसे पहले जहां मारकाट मचेगा वो है इस देश की मीडिया। एक चैनल दूसरे चैनल के खिलाफ नफरत की भाषा बोलने लगेगी, चैनल का नाम लेकर मारकाट पर उतारू हो जाएगी, एक एंकर दूसरे एंकर के खून के प्यासे हो जाएंगे, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगेगा। अब धीरे धीरे ही सही वैसे हालात बनने लगे हैं। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया कि उन 14 दंगाइयों के लिस्ट में अंजना ओम कश्यप का नाम शामिल नहीं है? दरअसल यही इंडिया गठबंधन का सारा खेल छुपा है, क्योंकि सारे पत्रकारों को इस बात का पता चल गया था कि जल्द ही विपक्ष उनके बहिष्कार का ऐलान करने वाला है और फिर सब लोग पिछले एक हफ्ते से अपना एजेंडा सेट कर रहे थे। सुधीर चौधरी कांग्रेस के खिलाफ झूठी खबर चलाकर खुद को भाजपाई साबित हो जाने का प्रमाण दे चुका था, जिसके बाद उसके खिलाफ FIR तक दर्ज कर दी गई। सुधीर चौधरी के बाद आज तक में बचे दो बड़े चेहरे अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी। सुधीर के बाद चित्रा ने भी इंदिरा गांधी के अपमान की झूठी कहानी बताकर अपना रुख साफ कर दिया, वो पत्रकार के बजाय भाजपाई दलाल बनना पसंद करेंगी। सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी के बाद नंबर आता है अंजना ओम कश्यप का। अंजना को इस बात का पता था कि जल्द ही एंकरों का बहिष्कार की लिस्ट आने वाली है, ऐसे में अंजना ने कार्यक्रम में बिना नाम लिए सुधीर चौधरी को बेनकाब कर दिया। अंजना ने सुधीर चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सत्ता के सामने झुकते झुकते रेंगने लगे और उसने पत्रकारिता को एक बहुत नुकसान पहुंचाया है। अंजना का सुधीर चौधरी पर ऐसे निशाना साधना था कि विपक्ष को लगा कि अंजना को एक मौका देना चाहिए सुधरने का, और अंजना ओम कश्यप को विपक्ष द्वारा मौका देना था कि वो विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक बन गया। क्योंकि एक तरफ अंजना सुधीर चौधरी को बिना नाम लिए सत्ता के सामने रेंगने वाला बता रही हैं, तो दूसरी तरफ सुधीर चौधरी अंजना को इंडिया गठबंधन के हाथों का खिलौना बता रहे हैं। सुधीर चौधरी बिना नाम लिए उन पत्रकारों को विपक्ष का गोदी मीडिया कह रहा है जिसका बहिष्कार नहीं किया गया है। ऐसे में सुधीर को लगता है कि अंजना विपक्ष की गोद में बैठ गई हैं, अब वो विपक्ष से तीखे सवाल नहीं करेंगी बल्कि विपक्ष का चरण चुंबक बनकर रहेंगी। तो पहले अंजना द्वारा सुधीर को सत्ता के सामने झुकते झुकते रेंगने वाला बताना और उसके बाद सुधीर चौधरी द्वारा अंजना को विपक्ष के हाथों का खिलौना बताना, यह दिखाता है कि इंडिया गठबंधन ने मीडिया में मार काट की शुरुआत तो कर दी है। तो इंडिया गठबंधन के इस मास्टर स्ट्रोक पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारी फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।